सभी किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों, आर्थिक भाइयों को, सभी दर्शकों को नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल जी। दोस्तों, और एक प्याज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एमपी इंदौर मंडी का भाव जान लेंगे, अराइवल जान लेंगे, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ माहौल बनने वाला है जी। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में, सर को कॉल करते हैं, जानते हैं आज का रिपोर्ट, सारा अपडेट लेते हैं जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे सर जी? बढ़िया बढ़िया सर। सर जी आज एमपी इंदौर मंडी में कैसा माहौल बना, कल के मुकाबले बाजार कैसा रहा जी, अरायवल क्या कुछ आया? अभी इंदौर मंडी में अराइवल तो कम ही था, 20-25 हजार कट्टे की अराइवल थी, 30 हजार। और अभी 2-3 दिन से आमदनी कम ही है, और 1-2 दिन और मेरे ख्याल से लगता है कि इतनी आमदनी रहेगी, कोई बढ़ेगी नहीं, ओके जी। क्योंकि हमारे यहाँ मौसम खुल गया है, किसान सोयाबीन में लग गया है, फिर आलू लगाएगा, फिर आएगा, अच्छा ठीक बस 6-7 दिन की प्रोसेस लगेगी। है जी। कल से कितना माल कम है सर जी आज मार्केट में? नहीं, माल कल जितना ही है, पर आवक कुल मिला के कम है। हाँ तो सर जी अभी जैसा कि आप बता रहे हैं आलू और सोयाबीन की तरफ चले जाएंगे किसान 6-7 दिन के लिए, तो क्या सर अभी माल है वाकई में और भी इंदौर माल में? ठीक एक्चुअल में देखो है तो कम, और ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, है जी। नहीं तो ये अंदाज लगाना सही नहीं है कि खत्म हो गया। नहीं, सर मतलब एकदम से जैसे कि एक एक लाख कट्टे अब नहीं आएंगे, 50 हजार कट्टे आएंगे तो बहुत हो जाएगा बस। अच्छा मतलब 40 से 50 का एक एवरेज रहेगा, ज्यादा मतलब 1 लाख कट्टे नहीं होगा। 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार वो नहीं देखने को मिलेगा सर? नहीं, अब मेरे को तो नहीं लगता है, बाकी फिर भी कुछ बोल नहीं सकते, बाकी मेरा अंदाज है कि अब इतना आमदनी बढ़ना मुश्किल है। ठीक है जी। तो सर या तो नए की अराइवल है, तो फिर पुराना किसान झटपट निकालेगा, नया का अराइवल है नहीं। अच्छा जी। तो सर जी अभी क्वालिटी वगैरह कैसा आ रहा है मंडी में? क्वालिटी अच्छा एवरेज आ रहा है, हल्का कम आ रहा है, एवरेज और अच्छा ही आ रहा है ज्यादातर। अच्छा एवरेज और अच्छा, मतलब सुपर भी ज्यादा नहीं है और हल्का भी ज्यादा नहीं है। नहीं, ओके जी। तो सर जी आज क्या रेट खुला, कल के मुकाबले बाजार तेज है या फिर इसकी रहे? बाजार सुबह सुबह तो 1-2 रुपये था, लेकिन बाद में लोगों को पड़ता नहीं था तो गिराकी कम हो गई थी। अच्छा ठीक है जी। तो दोपहर में क्या बाजार गिरा या फिर मतलब इसकी नहीं रहा सर? ऊपर में नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि 10-15 मिनट थोड़ा जैसे माल कम होता है ना, तो आरपीआई भी तेज चिल्लाता है, हाँ जी, तो किसी को ऐसा लगता है बाद में तेज हो जाए तो ले लेता है, बाद में फिर कि सबके ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं कि भैया ज्यादा पैसे नहीं बन रहे, बहुत भरना गाड़ी, आज छोड़ दो कल बना देना, तो ग्राहकी कम हो जाती है। सर ग्राहकी कम होने से रेट भी गिर जाता है क्या, या फिर रेट है ना, रेट गिरता है, ग्राहकी कम हुई तो रेट गिरेगा ही गिरेगा। ओके तो सर जी सुबह क्या बाजार खुला, फिर जैसे ग्राहकी कम हुआ तो उसके बाद करा? सुबह 45-46 रुपए तक माल बिके, बाद में फिर 42-43 बिके, ज्यादा ऊंचे नहीं बिके। अच्छा जी, बाद में मतलब 42-43 रुपए बिका, मतलब 1 रुपए का फर्क आ गया जी सुबह के मार्केट में और जब ग्राहकी कमी है इस मार्केट में। ओके तो सर जी एक बार क्वालिटी के अनुसार रेट बता दीजिए, क्या कुछ क्वालिटी और क्या क्वालिटी? 38 से 40, 41 ओके जी। सुपर 42-43 और एक्स्ट्रा सुपर 44 रुपए तक। ओके जी। और लो क्वालिटी? लो क्वालिटी 20 रुपए से 30 रुपए, जैसी क्वालिटी एज पर क्वालिटी देख के। ओके सर। सिंगल पत्ती सर? सिंगल पत्ती 30 रुपए 35 रुपए, 30 रुपए 35 रुपए। ओके जी। और आपका गोल्टी गोल्टा सर? गोल्टी गोल्टा भी प्याज के रेट में मिल रहा है। ठीक है जी। और सर जी ये जो 44 रुपए का रेट बताया, ये मतलब ग्राहकी कम होने के बाद का रेट है या ग्राहकी से? ग्राहकी कम होने के बाद का है, और ग्राहकी जब सुपर थी तब वो 46 रुपए तक गई। ठीक है जी। मतलब सुबह सुबह 40 रुपए तक बाजार गया, फिर जैसे ही ग्राहकी कम हुआ तो आपका 44 रुपए तक आ गया जी बाजार। ठीक है सर। तो सर जी अभी जो है क्या लग रहा है आगे कैसा रहेगा, क्योंकि अभी तो दूसरा नोट आगे तो ऐसा देखो मेरे पास आमदनी तो कमी है। ठीक है जी। यदि आमदनी ऐसा ही रहा, हाँ जी, और नवरात्रे भी खत्म होंगे तो फिर बिक्री में भी पावर बढ़ेगा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर वो तो सर जी 4 दिन दिख जाएगा बिक्री में पावर, क्योंकि नवरात्रे पहले अभी अभी पिछले 2-3 महीने से ऐसा लग रहा है, जब जब आमदनी कम हुई है ना, ठीक है, तब तक बिक्री भी कम हो गई है, और आमदनी फुल होती है ना, बिक्री भी बहुत होती है।
अच्छा, ये मतलब 2-3 महीने का अंदाजा है, मतलब जब हाँ, बिक्री और भाव में। 2-3 महीने से ऐसा लग रहा है, जब जब आमदनी कम हुई तो बिक्री में भी पावर नहीं है इतना। ओके सर, अभी तो कई त्योहार भी चला और कई चीज चला, जिससे मतलब सेल भी डाउन देखने को मिला आपको सर, सब कुछ खत्म हो नहीं, गया। एक्चुअल में कुछ असर नवरात्रि का है, कुछ असर दिल्ली में मैसेज हो रहा है, बहुत पहुंच रहा है, ठीक है जी, अच्छा तो वहां की जो दिल्ली के आसपास की डिमांड है वो यहाँ से खत्म हो गई। हाँ, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट उतना उस साइड से माल नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। गवर्नमेंट का माल पहुंच रहा है पूरा मंडियों में, तो फिर हम लोगों को थोड़ी लोडिंग में ऑर्डर कम आ रहे हैं। ओके ठीक है सर। और सर जी, अभी जैसा कि बॉर्डर कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा, तो इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा सर बाजार पर? सुनने में ऐसा आ रहा है कि प्रभाव क्या, बॉर्डर दो बंद हो चार जाएगा। दिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दो चार दिन थोड़ी लोडिंग कम हो जाएगी, बाकी माल तो बिकेगा ही सही। ओके ठीक हाँ, है सर। तो सर जी, आपको क्या लगता है, जब 2-4 दिन बाद बाजार अच्छे तरीके से खुलेगा, ग्राहकी खुलेगा, तो बाजार और क्या कितना चढ़ सकता है सर? वो तो देखो अराइवल के ऊपर है, और नया प्याज भी लोड हो रहा है बेंगलोर से, तो ओके कई जगह क्या होता है, नया प्याज पहले बिकता है, पुराने की बिक्री गुम हो जाती है। जी, अब यदि नया प्याज यदि सही पहुंचेगा तो फिर बिक्री में, हमारे पुराने प्याज में बिक्री में कम हो जाएगा, और कई जगह नया नहीं बिकता, पुराना ही बिकता है, ओके तो चलता रहेगा, समय अपने आप बताते जाएगा कैसे क्या बाजार रहेगा। अपना अंदाज लगाना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, हमारे अंदाज। सर जी, एक बार शॉप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। ठीक शॉप नंबर 265 जो सब्जी मंडी इंदौर, मोबाइल नंबर 99 77 2 93 2 00। है जी, धन्यवाद।